हाय गाइस, सो बेसिकली ये है एक रिपोर्ट जो आप लोगों को फिल्ट्रेट यूज करके निकालनी पड़ती थी, अब जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप क्या कर सकते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आपको चेकआउट करना है कि कितनी कंप्लेंट ऐसी हैं जो अभी न्यू फेस में ही पड़ी हुई हैं। दैट मीन्स कंप्लेंट आई हैं बट वो आगे रिजॉल्वर को इशू नहीं की गई हैं। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको यहाँ टाइप में जाकर आपको कंप्लेंट लेनी है, न्यू कंप्लेंट असाइन टू रिजॉल्वर। दैट मीन्स ये रिजॉल्व असाइन हो चुकी हैं। आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे न्यू कंप्लेंट, तो आप देखेंगे सारी वो कंप्लेंट्स आ जाएंगी जो अभी पेंडिंग हैं, जो अभी आपको किसी भी रिजॉल्वर को, बेसिकली आप देखेंगे ये रिजॉल्वर है, ये किसी भी रिजॉल्वर को अभी असाइन नहीं की गई है। तो यहाँ पर ये सारी वो कंप्लेंट आ जाएगी। अभी आप कहते हैं कि मुझे देखनी है वो कंप्लेंट जो रिजॉल्वर को तो गई है बट पेंडिंग है अभी। मतलब आपने कोई कंप्लेंट मुझे देनी थी, मुझे इशू तो कर दी है मैनेजमेंट ने, बट वो कंप्लेंट अभी भी मेरे साइड से पेंडिंग है। तो आप असाइन टू रिजॉल्वर पर क्लिक कीजिए, तो आपके पास देखेंगे सारा जो भी डेटा निकल के आएगा, वो डेटा निकल के आएगा जो पेंडिंग है, राइट। सो बेसिकली असाइन टू रिजॉल्वर में आप देखेंगे सारी सारा डेटा आ गया। इसमें कोई भी लीड ऐसी नहीं है जो किसी डूअर को असाइन की गई हो और वो पेंडिंग हो। अब आप कहते हैं कि मुझे सिर्फ ये देखनी है कि कितनी लीड ऐसी हैं जो इसमें वर्क डन हो गए हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डन का निकल के जाएगा। अगर आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे, सिर्फ ऊपर असाइन टू रिजॉल्वर सेलेक्ट करेंगे, तो आपके पास वो डेटा आएगा जो लीड असाइन तो कर दी गई है बट अभी रिजॉल्वर ने रिजॉल्व नहीं की है। सिमिलरली अगर आप कहते हैं कि मुझे देखना है वो डेटा जिसमें सारा ही डेटा मेरे को दिख जाए, राइट, कि आपको सारा ही डेटा दिख जाए कि आपके पास कितनी लीड ऐसी हैं जो हो चुकी हैं, जितनी कितनी लीड ऐसी हैं जो नहीं हो चुकी हैं, तो वो बेसिकली आपको यहाँ दिखेगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे अब सिर्फ देखनी है जितनी वर्क डन हो गई है, तो आप वर्क डन पर क्लिक करेंगे तो सारा डेटा शॉर्ट आउट हो जाएगा वर्क डन में, राइट। सिमिलरली अगर आप कहते हैं कि मुझे देखना है वर्क नोट डन, तो वर्क नोट डन हमेशा किस में रहा होगा, या तो नए कंप्लेन ही में या इशू टू रिजॉल्वर। तो नए कंप्लेन ही पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली आप ये देख पाएंगे कि कितनी कंप्लेंट्स ऐसी हैं जो पेंडिंग है, जो कभी किसी को दी नहीं गई है। और आप नीचे देखते हैं तो कितनी, उसी को सिलेक्ट कर लीजिए असाइनर में, तो असाइनर में आप देख पाएंगे कितनी कंप्लेंट ऐसी हैं जो असाइन तो कर दी गई हैं बट वो पेंडिंग भी हैं। तो बेसिकली अभी कोई भी कंप्लेंट ऐसी नहीं है जो पेंडिंग है, सारी कंप्लेंट्स रिजॉल्व हो चुकी हैं। दैट्स इट, थैंक यू।